दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य पर सवाल खड़े किए। बीजेपी के विधायक अभय वर्मा और जितेंद्र महाजन ने पीडब्ल्यूडी के काम पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली विधानसभा में नियम 280 के तहत विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे सदन में उठाए। लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क का काम बेहद निम्न स्तर का किया जा रहा है। अभय वर्मा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इस बारे में सूचित भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है वह बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। अभय वर्मा ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी नगर विधानसभा में घटिया स्तर का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी का विधायक है। देखिए 280 के तहत पीडब्ल्यूडी के द्वारा लक्ष्मी नगर विधानसभा में जितने भी काम किए जा रहे हैं सब दोयम दर्जे के काम हैं। अभी विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तो आप जो पिलर देखते हैं छोटे छोटे पिलर लगे हैं उसको कोई भी एक लात मारता है वो टूट जाता है। इतना हल्का काम क्यों कराया जा रहा है? मैं मंत्री जी ने दौरा किया, मुझे बताया नहीं। यही मंत्री जी को मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे को साथ लेते तो मैं सच्चाई बताता। और बड़ा दुख है कि मंत्री जी इस बात पे हंस रही थी जबकि उनको संज्ञान लेना चाहिए था। मैं उनसे मिला भी हूँ, उनको भी सारी बातें बताया हूँ, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये अधिकारी जो है बार बार कहते हैं कि मुझको सरकार से मना किया जा रहा है। तो आज मैंने हाउस में यही कहा कि आप काम मत कराओ ना, ये दोयम दर्जे का काम क्यों करा रहे हो। बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन ने भी अपने इलाके में हो रहे विकास के कार्यों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल भी क्वालिटी का काम नहीं है। जितेंद्र महाजन ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरकार ठेकेदार को इस घटिया काम की पेमेंट भी कर रही है। उन्होंने सदन के बाहर सरकार से मांग की कि सड़कों के निर्माण को लेकर जाँच की जानी चाहिए। रोहतास नगर विधानसभा में विश्वकर्मा सेतु के नीचे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनाने का काम, विद्युतीकरण का काम और सौंदर्यकरण के काम के ठेके टेंडर जारी किए गए थे, मगर बहुत ही दुख का विषय है कि इन सभी कामों की गुणवत्ता बहुत ही घटिया स्तर की है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो जमीन पर किए नहीं गए हैं और उनका भुगतान कर दिया गया है। तो मैंने 280 के माध्यम से माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिजी से अनुरोध किया है कि इन सभी कामों की सतर्कता विभाग से जांच करवाई जाए और जो काम जमीन पर हुए ही नहीं है और उनका भुगतान कर दिया गया है, जिन भी लोगों ने उसका भुगतान किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो कार्य गुणवत्ता के हिसाब से नहीं हुए उसकी भी जाँच की जाए और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार उन विधानसभा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जहां जनप्रतिनिधि बीजेपी से हैं। बीजेपी का कहना है कि अधिकारियों पर सरकार का दबाव है कि वह इन विधानसभाओं में बिल्कुल भी विकास कार्य ना करे। प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़, दिल्ली।